प्रेम के संबंध में संकेत देते हैं। लंकेश्वर रावण के स्वभाव से भयभीत रक्तांबरी राजकुमारी कर्कटी की बात सुनकर चकित हो जाती है। कर्कटी अपने पिता महाराज भल्ला तक को स्वाभिमान की याद दिलाती है। कर्कटी की दृढ़ता से क्रोधित होने के स्थान पर रावण प्रसन्न हो जाता है। नहीं स्वामी, आप इस प्रकार विरह की वेदना में छोड़कर मुझे नहीं जा सकते। स्वामी स्वामी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। स्थिति को समझो कर्कटी, इस समय तुम्हारा लंका जाना उचित नहीं है। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, नहीं, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। स्वामी मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मुझे छोड़कर मत जाइए स्वामी। मुझे छोड़कर मत जाइए स्वामी। राक्षस कुलवधु कर्कटी, अब तुम केवल हमारे प्रिय भ्राता कुंभकर्ण की धर्मपत्नी ही नहीं, अभी तो लंका की राजरानी और महारानी हो। लंका की नहीं महारानी, संपूर्ण राजकीय परंपराओं और भव्य स्वागत सम्मान के साथ ही लंका में प्रवेश करेंगे, जिसके लिए तुम्हें युद्ध विजय तक प्रतीक्षा करनी होगी। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते स्वामी। पिताश्री, लंकेश्वर के कथन पर विश्वास करो पुत्री। इस समय नववधु के रूप में लंका पहुंचना अनुचित है। लंका की राक्षसी सेना और लंका वासियों पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। प्रजा और सेना में विद्रोह भी हो सकता है। हां कुलवधु, सेना और प्रजावासी ये बात सोच सकते हैं कि जब हम युद्ध की विभीषिका में जल रहे हैं, तब राज परिवार विवाह का उत्सव मना रहा है। लंकेश्वर और महाराज भल्ला तक की बात तर्क सम्मत है। युद्ध विजय के बाद हम स्वयं तुम्हें सह्याद्री से लेने आएंगे। ठीक है स्वामी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, किंतु जब तक आप नहीं लौटेंगे मैं किसी शय्या पर विश्राम नहीं करूंगी, किसी आसन पर नहीं बैठूंगी, अग्नि पर पकाया हुआ भोजन नहीं खाऊंगी। विवाहित होते हुए भी साध्वी का जीवन व्यतीत करूंगी, ये मेरा प्रण है। हम शीघ्र ही लौट कर आएंगे। चलो प्रिय कुंभकर्ण, आप विलंब ना करो। जी। धैर्य धारण करें राजकुमारी, महाराज लौटेंगे, शीघ्र ही लौटेंगे। शीघ्र लौटकर आने का जो वचन कुंभकर्ण ने कर्कटी को दिया था, संभवतः उस वचन को आशुतोष भगवान शिव की सहमति प्राप्त नहीं थी। कारण श्री राम और उनकी वीर सेना के सामने रावण और उसकी राक्षसी सेना पराजित हुई। इस भीषण युद्ध में रावण की ओर से लड़ने वाला एक भी वीर सैनिक जीवित नहीं बचा। 1,00,000 पुत्र और 1,25,00,000 नातियों से भरे पूरे रावण के परिवार के साथ महाराज भल्ला तक और उनकी सेनाएं भी युद्धाग्नि में स्वाहा हो गईं। रावण और कुंभकर्ण को श्री राम के हाथों तथा इंद्रजीत मेघनाद और भल्ला तक को लक्ष्मण के हाथों मुक्ति प्राप्त हुई। श्री राम की कृपा से लंका का राज्य विभीषण को मिला। इस प्रकार महाबली, महापराक्रमी, अतुल्य शक्तिशाली लंकेश्वर रावण
और उसकी राक्षसी सेना का अंत हुआ, परंतु कुंभकर्ण की वीर शक्ति से भविष्य में जन्म लेने वाला एक राक्षस कर्कटी के गर्भ में आज भी जीवित है। सावधान राजकुमारी, सावधान। लंका को विजय करने वाले वनवासी राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इस पृथ्वी से समस्त राक्षस जाति के अंत का निश्चय किया है। वे किसी भी समय अपनी वीर वानर और भालू सेना को साथ लेकर यहाँ आ सकते हैं। हमें तुरंत ये स्थान को छोड़ देना चाहिए राजकुमारी। मैं अपने प्राण त्याग सकती हूँ किंतु स्थान को नहीं छोड़ सकती। असुरों के आराध्य देव भगवान शिव मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। उन्हें मेरे स्वामी को लौटाना होगा, मेरे प्राण को सफल करना होगा। सच्चाई स्वीकार करिए राजकुमारी, मरने के बाद कोई लौटकर नहीं आता है। महाराज कुंभकर्ण अब इस संसार में नहीं रहे, नहीं है तो केवल उनकी स्मृतियां। हमें उनकी स्मृतियों को संजोना है राजकुमारी। चलिए, शीघ्र ही चलिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी रक्तांबरी। यदि वे नहीं आएंगे तो मैं भूखी प्यासी रहकर यही अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी राजकुमारी। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? दूर हो जा मेरी दृष्टि से। आज मैं आपका कोई आदेश नहीं मानूंगी राजकुमारी, और आपको मेरी बात माननी ही होगी। तुरंत ये स्थान छोड़ना होगा। रक्तांबरी! नहीं राजकुमारी, नहीं। उत्तेजित ना हो, आपको जीना है। किंतु मैं जीना नहीं चाहती रक्तांबरी, मैं जीना नहीं चाहती। बात केवल आपकी होती तो आपके साथ मैं भी अपने प्राणों की आहुति दे देती। पर बात केवल आपकी नहीं है राजकुमारी, बात महाराज कुंभकर्ण के पुत्र की है। उस वीर को जन्म देने के लिए आपको जीवित रहना ही होगा। आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मेरा विश्वास करिए राजकुमारी, एक दिन आपका पुत्र महाराज कुंभकर्ण की हत्या करने वाले राम और लक्ष्मण से अवश्य प्रतिशोध लेगा। राजकुमारी कर्कटी, आज केवल तीनों लोगों के स्वामी लंकेश्वर रावण को ही नहीं, भविष्य को भी तुमसे बहुत अपेक्षाएं हैं। समय आने पर तुम्हें भी राक्षस माता केकसी के समान वीर और विजयी राक्षस पुत्र को जन्म देना होगा। बचपन से ही उसके भीतर राक्षस जाति का गौरव और गौरवशाली इतिहास कूट कूट कर भरना होगा। जो आज्ञा लंकेश्वर, मैं अपना सब कुछ बलिदान करके भी राक्षस जाति के गौरव महाराज कुंभकर्ण की संतान को जन्म अवश्य दूंगी और उसकी रक्षा भी करूंगी। चलो रक्तांबरी। राजकुमारी, राजकुमारी, क्या हुआ राजकुमारी? राजकुमारी, राजकुमारी, उठिए राजकुमारी, क्या हुआ? राजकुमारी, राजकुमारी, उठिए राजकुमारी, उठिए, वहां तक चलिए, चलिए। आई
राजकुमारी, राजकुमारी चलिए, राजकुमारी चलिए, चलिए राजकुमारी, धैर्य धारण करें राजकुमारी, राजकुमारी धैर्य धारण करें, आप यहाँ बैठिए राजकुमारी, यहाँ बैठिए, कोई है कृपया हमारी मदद करें, कोई है कृपया हमारी मदद कीजिए, राजकुमारी उठिए, राजकुमारी चलिए कुटिया में चलिए, राजकुमारी उठिए, उठिए आइए, आइए चलिए, राजकुमारी, राजकुमारी यहाँ लेटिए, यहाँ, राजकुमारी आराम कीजिए, राजकुमारी धैर्य धारण करें, राजकुमारी, राजकुमारी धैर्य धारण करें, राजकुमारी धीरज रखिए, राजकुमारी धीरज रखिए, राजकुमारी, राजकुमारी कृपया धैर्य रखिए, ये लो पुत्र, लक्ष्य पर भेद करो। ऐसे नहीं पुत्र, धनुष के मध्य भाग को अपने बाएं हाथ से पकड़कर उसकी डोरी को अपने दाएं कान तक खींचो। जितना अधिक खींचोगे प्रहार उतना ही तीव्र होगा। लो। लक्ष्य पर अपनी आंख गड़ाओ पुत्र। क्या दिखाई देता है? लक्ष्य, केवल लक्ष्य। सुंदर, अति सुंदर। प्रहार करो। वो शिला देख रहे हो? हाँ माता। उस शिला को जितनी दूर हो सके फेंको। मान लो कि सामने तुम्हारा शत्रु है, उस पर ऐसे प्रहार करो कि वो शत्रु इस शिला के नीचे दबकर मर जाए। जाओ। उठाओ पुत्र, उठाओ, शक्ति लगाओ पुत्र, शक्ति। ये मुझसे नहीं उठेगा माता। यदि तुम्हारी इच्छा शक्ति दृढ़ हो
तो तुम ये कर सकते हो पुत्र। पहले अपनी शक्ति को एकत्रित करो, फिर श्वास को अपने सीने में रोको, फिर पूरी शक्ति लगाओ और इस शिला को उठाकर दूर फेंको। करो पुत्र। शक्ति लगाओ पुत्र, शक्ति। करो पुत्र। धन्य है तुम्हारा पराक्रम पुत्र, धन्य है। इसी प्रकार नित्य अभ्यास करो। ये क्या माते, तुम मुझे सुबह से शाम तक केवल युद्ध की शिक्षा क्यों देती हो? इस वन में और भी बालक हैं जो आखेट करते हैं। पर्वतों, आप प्रकृति को देखने और नदी में तैरने का आनंद लेते हैं, पर तुम मुझे इन सबका अवसर ही नहीं देती। आज से मैं युद्ध अभ्यास नहीं करूंगा, मैं वनवासी बालकों के साथ खेलूंगा, आखेट करूंगा। ये क्या माते, आपकी आंखों में आंसू? मैंने अपने मन की सच्ची बात कही है, मेरा इस युद्ध शिक्षा में मन नहीं लगता, मैं इन सबसे दूर चला जाना चाहता हूँ। मेरे पुत्र, तुम्हारा जन्म इस संसार में आनंद उठाने के लिए और खेलने कूदने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म तो एक विशेष कार्य के लिए हुआ है, और इसी विशेष कार्य के लिए तुम मेरे पुत्र बनकर जन्मे हो। कौन सा विशेष कार्य माते, मुझे बताओ माते, मैं आज इन सब कामों को समाप्त कर डालूंगा। नहीं पुत्र, ये काम उत्तेजना और आवेग में नहीं, योजना और धैर्य से किया जाता है। उचित अवसर आने पर मैं तुम्हें उस विशेष कार्य का संकेत अवश्य दूंगी। परंतु माते, भीम, ये तुम्हारे अभ्यास का समय है, अभ्यास करो पुत्र। माते, मैं अस्त्र शस्त्र में हर प्रकार से अभ्यस्त हो चुका हूँ, अब केवल एक ही काम करने में मुझे आनंद नहीं आता। आनंद, 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 क्या तू अपने माता के आंसुओं की मूली पर आनंद प्राप्त करना चाहता है? क्या तुझे मेरे दुख की तनिक भी चिंता नहीं है पुत्र? ऐसा मत कहो माते, मैं जब भी आपकी आंखों में आंसू देखता हूँ तो विचलित हो जाता हूँ, पूछने पर भी कभी आप अपने दुख का कारण नहीं बताती हो। तू कारण जानना चाहता है? हाँ हाँ माते, मैं कारण जानना चाहता हूँ। तो सुन, जिस दिन मेरी दृष्टि में तुम्हारा अभ्यास पूर्ण होगा उस दिन मैं तुम्हें कारण बताऊंगी, किंतु अभी समय व्यर्थ ना करो, गदा उठाओ और मुझ पर प्रहार करो। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं पुत्र, तुमने युद्ध की सारी कलाएं सीख ली हैं, अब तुम मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करोगे।